वेलकम डियर ऑल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप, वेयर ई नॉट इज ए कांस्टेंट। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया शोन इन द फिगर ड्यू टू दिस फील्ड इज, ताकि आपका विजुलाइजेशन क्लियर हो चुके इस फिगर में शेडेड एरिया का। मैंने एनिमेशन बनाए, इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिए और एनिमेशन से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा वेरी इजिली। जी एडवांस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में, 2011 में आया हुआ। ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ई नॉट है, और ई नॉट यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहे हैं कि इट इज ए कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स गुड। डायरेक्शन जो है एक्स कैप की वजह से जो डायरेक्शन है ये पता चलता है कि इट इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये तो तय हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है और डायरेक्शन वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अब हमसे पूछा गया है कि जो ये शेडेड एरिया जो नजर आ रहा है आपको इसमें फिगर में लेफ्ट हैंड पे देखिए, तो ये शेडेड एरिया जो है इसमें फ्लक्स कितनी होगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फाइ इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब देखिए, क्वेश्चन टोटली 100% इमेजिनेशन का एक क्वेश्चन है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं इसको कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दिस। अब इसमें जो ई है वो तो हमारे पास में नोन है ई नॉट, पर इसमें ना तो थीटा हमारे पास में पता है ना एरिया हमारे पास में पता है। तो सबसे पहला इसका जो 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 कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं इनको जरा देखते हैं किस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, चलो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, दिस वन इज वाई, दिस वन इज एक्स। तो डेफिनेटली जो जेड होगा वो इस तरह से होगा आपकी तरफ, दिस वे। अब यहाँ जो ये जो प्लेन दी हुई है इसको इमेजिन करते हैं, ये प्लेन इस तरह से दी हुई है, ठीक है, ये इस तरह से प्लेन आपके सामने मौजूद है। तो जरा इस पॉइंट को देखते हैं, जरा इसमें लेफ्ट हैंड पे फिगर में देखो, ये जो पॉइंट है ये है जीरो जीरो जीरो। तो डेफिनेटली इसमें एक्स में भी आप जीरो गए, वाई में भी जीरो गए और जेड में भी जीरो गए, तो ये पॉइंट तो जीरो 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 हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, एक पॉइंट इसमें मिलता है आपको जीरो ए जीरो, तो ये जो दूसरा पॉइंट है जीरो ए जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में आप कितने हैं जीरो, तो x में जीरो का मतलब आप इस लाइन पर हैं कहीं, ठीक है, और y में कितने हैं आप a, तो ये पॉइंट तो हो गया जीरो a, और z में भी कितने हैं आप जीरो, तो इसका मतलब ये पॉइंट दूसरा हो गया यहां पर y एक्सिस पर, और ये दूरी जो यहां से यहां तक की हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी a, ठीक है। तो इस बात से ये तो तय हो गया कि ये जो हमारा ब्लॉक है उसमें ये जो प्लेन में ये वाली जो दूरी है दिस इज ए, यहां से यहां तक की दूरी हमारी ए हो गई। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट लेते हैं हम, जरा इस पॉइंट को देखिए ए जीरो ए, ये पॉइंट ए जीरो ए का मतलब एक्स में कितना गए हैं आप ए, ठीक है, एक्स में आप चले जाइए ए, तो ये हो गया। अभी फिलहाल ये प्लेन अगर ऐसी रखी हुई है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे ए जीरो जीरो, है ना, क्योंकि y में भी नहीं है और z में भी नहीं है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट इसके क्या बनाने a जीरो a, इसका मतलब ये z वाला जो है a दूरी पर उठ चुका है, तो z में इसको उठा देते हैं। ये देखिए, ये यहां से ये, तो ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक दिस वन इज a, ये डिस्टेंस जो है इसकी a है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ये वाली दूरी दिस वन इज 100% दिस इज ए। तो यहां ये ए होने से ये तो तय नहीं हो गया क्योंकि ये उठ चुका है कि ये वाली जो लाइन आ रही है ये भी ए ही होगी, है ना, अगर ये लेटा हुआ होता ऐसा तो ये ए है तो डेफिनेटली ये ए हो जाती जैसा कि इसमें था, लेकिन क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है ए जीरो ए तो ये उठा होने की वजह से ये डिस्टेंस कुछ और होने वाली है, तो हमें इस डिस्टेंस को निकालना है। उससे पहले जरा इस कोऑर्डिनेट को देखो, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ उठने के बाद, डेफिनेटली ये पॉइंट जो है जो आपको नजर आ रहा है फिगर में लेफ्ट में देखिए ए ए ए, यानी कि एक्स में भी ये जा चुका है, दिस वन इज यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक वाई में भी चल चुका है,
और z में भी चल चुका है। तो z में ऊपर उठा हुआ है, x में a, y में a, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं a, a, a। ये a a कब होंगे, जब ये इस तरह से पोजीशन हमें मिलेगी। तो इसकी फिगर की पोजीशन तो हो गई ये, प्लेन इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। अब हमारे पास में ये डिस्टेंस तो है नोन, ये वाली डिस्टेंस नहीं है, तो हमारा काम क्या हो जाता है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना काम हो जाता है, क्योंकि हम ई ए कॉस थीटा लगाएंगे तो ये ए हमें चाहिए। तो ए क्या होगा इसका, ये डिस्टेंस तो हमारे पास में है ए, लेकिन ये नहीं है, और इस डिस्टेंस को कैसे निकालें, देखो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में ए है, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है, ए है अगेन, इसके कोऑर्डिनेट देखो ए जीरो ए, ये डिस्टेंस भी अगेन ए है। तो इसको जरा लेफ्ट में देखिए, ऐसा ये ट्रायंगल आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो इस ट्रायंगल में देखो मैं इन डिस्टेंसेस को लिख देता हूँ, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, ये कितनी होगी ये कैलकुलेट करते हैं। ये ट्रायंगल में इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करें, ये ए, ये ए, तो ये कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी एक्स जो हम चाह रहे हैं इसको कैलकुलेट करना, सपोज दिस इज एक्स, तो ये हो जाएगी 2a स्क्वायर, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू जो आएगा हमारा वो रूट 2a होगी। तो ये डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई, रूट 2a। हमारी जो प्लेन थी ये वाली डिस्टेंस a, और ये वाली कितनी निकल के आई हमारी इस ट्राइंगल की वजह से, यहाँ पर राइट हैंड पर जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं यहाँ से देखने पर ये डिस्टेंस हमारी निकल के आई रूट 2a। तो इसको मैं लिख देता हूँ रूट 2a। अब देखो जरा इसका एरिया जिसको हमें चाहिए था, इसका जो एरिया हो जाएगा वो एरिया हमारा हो जाएगा रूट टू ए इंटू ए, दैट इज रूट टू ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें जो एरिया था वो हमारा जो ए होगा वो जो निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट टू ए स्क्वायर। तो ये एरिया की हमें जरूरत पड़ी थी, वो हमारा काम हो गया। अब हमें थीटा जो वाली टर्म है इसको भी निकालना है। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये जो थीटा होता है इट इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये एंगल होता है, और एरिया वेक्टर जो होता है वो बिल्कुल प्लेन के 90 डिग्री होता है। तो हमारी प्लेन इस तरह से रखी हुई थी, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, बिल्कुल इसके 90 डिग्री, यहाँ से एक लाइन इस तरह से ये इससे जुड़ती हुई। तो लेफ्ट हैंड फिगर में देखिए वो एरिया वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जरा इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगी इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में कैसे एंगल फॉर्म होगा, जरा लेफ्ट में देखें। तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, अब ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए साइड व्यू से जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था ये आप देख रहे हैं, इसको दोबारा यहाँ पर जरा 90 डिग्री की लाइन बनाता हूँ, दिस वन इज एरिया वेक्टर और ये जो जा रही है दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो ई। अब अगर गौर से इसमें अगर आप देखते हैं तो ये एंगल अगर हम फाई मानते हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई। तो चलिए इस एंगल को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो एंगल होगा कॉस फाई लेते हैं, तो ये कॉस फाई जो होगा इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में कॉस फाई हो जाएगा ए अपॉन रूट टू ए, इट मीन्स ये वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। इससे यहाँ जो फाई आएगा वो कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट टू, इसका मतलब ये फाई जो आता है ये 45 डिग्री का आता है। तो ये तय हो गया कि ये जो एंगल है ये हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 45 का फॉर्म हो रहा है। तो डेफिनेटली दिस एंगल, ये देखिए ये 45 है और ये इस पे 90 है, तो ये एंगल भी बताएं आप कितने का होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 45। अब हमारा जो ये इसमें जो थीटा वाला पार्ट था, ये एंगल हमारा थीटा है, दिस वन इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर हमारा थीटा भी हमें मिल गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर 45 डिग्री यूज करेंगे। नाउ सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाता है, सो कम ऑन लेट अस डू दैट। तो हमारी जो फ्लक्स आती है phi इज इक्वल्स टू इन वैल्यूज को पुट करते हैं E, और E कितनी लिखनी है हमें, E नॉट, यानी मैग्नीट्यूड तो इसका कितना है, E नॉट है, एरिया में लिखना है इसका A, A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट टू ए स्क्वायर पुट करेंगे इन टू cos of थीटा मीन्स cos of 45 डिग्री यूज करेंगे,
तो फ्लक्स फाइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ई नॉट रूट टू ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन रूट टू कॉस 45, वन अपॉन रूट टू, रूट टू से रूट टू विल गेट कैंसल्ड आउट एंड अवर आंसर इज ई नॉट ए स्क्वायर. तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट आंसर.